अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तफ़ीमे उर्दू जमात अव्वल की किताब का सबक। तो आप मेरे साथ खोलें इसका सफ़ा नंबर 65। उनवान है बातचीत। प्यारे बच्चों, ये लेक्चर है आपका आज का, बातचीत आपस में बातचीत करने के का तरीका आज मैं आपको बताऊँगी। इसके तदरीसी मकासद हैं, तुलबा अच्छे तरीके से बात करना सीख लें, ठीक है। अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखें यहाँ से, उमर और इब्रार दोस्त हैं, वो हम जमात भी हैं। हम जमात कहते हैं एक ही जमात में पढ़ने वाले को, ठीक है। दो बच्चे जो हम जमात हैं आपस में, उनका आज हम पढ़ें उनके बारे में आज पढ़ेंगे कि वो आपस में कैसे बातचीत करते हैं, बातचीत करने का तरीका कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखें, एक दिन जब उमर अपना स्कूल का काम करने बैठा तो इसे मालूम हुआ कि इसके बस्ते में उर्दू की किताब नहीं है। उमर जब अपना स्कूल का काम करने बैठा तो उसको पता चला कि उसके बस्ते में उर्दू की किताब नहीं है। उमर ने सारे घर में तलाश कर लिया लेकिन उसे किताब कहीं ना मिली। उमर ने सारे घर में अपनी किताब को तलाश किया लेकिन उसे किताब कहीं ना मिली। वो ये किताब लेने के लिए अपने दोस्त इब्रार के घर चला गया, और जो के बराबर वाले घर में रहता है। इसने दरवाज़े पर दस्तक दी। दस्तक का मतलब होता है दरवाज़ा खटखटाना। इब्रार ने दरवाज़ा खोला और उमर को देखकर बहुत खुश हुआ। आगे देखें, उमर कैसे उससे बात का आगाज़ करता है। उमर, अस्सलामुअलैकुम। इब्रार, वालेकुम सलाम। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। उमर सलाम लेता है पहले, फिर इब्रार उसका जवाब देता है खुश, और फिर कहता है कि मुझे आपको देखकर खुशी हुई। अब देखें आगे पढ़ें, उमर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उमर कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब पहले उससे इजाज़त लेता है अंदर आने की। आगे इब्रार, जी आएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इब्रार ने उसे बहुत ही अच्छा वेलकम किया, ठीक है, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर में बुलाया और कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उमर, मेरी उर्दू की किताब नहीं मिल रही। उमर कहता है उसे इब्रार से कि मेरी उर्दू की किताब नहीं मिल रही, क्या आप मुझे उर्दू की किताब देंगे। वो किताब मांगने आता है इब्रार से। उमर, मैं काम का मुकम्मल करके वापस कर दूँगा। इब्रार, कोई बात नहीं, आप मेरी किताब ले जाएँ। इब्रार कहता है कोई बात नहीं, आप मेरी किताब ले जाएं, मैंने वैसे भी उर्दू का काम मुकम्मल कर लिया है। उमर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। उमर साथ ही कहता है शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इब्रार भी उसे अल्लाह हाफिज़ कहता है। सबक की अहम नकात में से जो बात अहम है वो ये है, दो दोस्तों में कैसे बात होती है। आपने देख लिया प्यारे बच्चों कि उमर आता है इब्रार के घर, सबसे पहले दरवाज़ा खटखटाता है, उसके बाद सलाम लेता है, फिर उससे इजाज़त तलब करता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसी तरह हमें भी जब किसी के घर जाएं तो हमें भी इजाज़त लेनी चाहिए, ठीक है, उसके घर में दाखिल होने की। फिर उससे अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज़ में बात करनी चाहिए, ठीक है। आपने, उम्मीद है कि आपने इससे सीखा होगा कि बात का आगाज़ कैसे करते हैं और किस अंदाज़ में दूसरे दो इंसान से बात करते हैं। दूसरा है, एक दूसरे की मदद की जाए। पहला था वो दो दोस्तों में कैसे बात होती है और एक दूसरे की मदद की जाए। इस मुकालमे में आपने ये भी देखा है कि एक दूसरे की मदद कैसे की जाए, ठीक है। इब्रार जो है वो अपनी बुक देता है उसको, उमर को, ताकि वो अपना काम मुकम्मल कर सके उर्दू का। इस तरह हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें देकर, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कॉपी वर्क की तरफ। यह है गुफ्तगू के आदाब। प्यारे बच्चों, हमने उस दिन भी गुफ्तगू के आदाब के मुतालिक पढ़ा था, आज मैं फिर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अक्सा एक प्यारी सी बच्ची है, इसे इतवार बहुत पसंद है क्योंकि इस दिन सब बच्चों को कहानियाँ और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। ये सब कहानियाँ दादी सुनाती हैं। इतवार के दिन सारे बच्चे दादी जान के घर में जमा थे, सेहन में बैठे हुए थे और सब बच्चे खूब शोर बरपा किए हुए थे और बुलंद आवाज़ में बातें कर रहे थे, ठीक है।
अब हम आते हैं मश्क की तरफ। इसी सबक की मश्क है। पहले हमने सवाल किया था सब बच्चे कहाँ जमा थे, आज हम दूसरा सवाल करेंगे बच्चे सेहन में क्या कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों आपने लेसन तफसील से पढ़ा है, उम्मीद है आपको इसका जवाब भी आता होगा। अब हम आते हैं कॉपी वर्क की तरफ। ये है आपका कॉपी वर्क। सवाल नंबर 2 है बच्चे सेहन में क्या कर रहे थे, इसका जवाब आपको उम्मीद है बहुत अच्छा आता होगा। मैं यहाँ लिखने लगी हूँ बच्चे सेहन में क्या कर रहे थे, शोर कर रहे थे। बच्चे सेहन में क्या कर रहे थे, शोर कर रहे थे। ठीक है, ये आपने अपनी कॉपी पर नोट करना है बहुत ही प्यारी लिखाई में। ठीक है, और फिर आपने स्कूल में आकर चेक करवाना है, इसको याद भी करना है लिखने के बाद। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।